राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे सर्दियों का एक स्पेशल नाश्ता, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी सूजी, थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ी कसूरी मेथी, 4 उबले हुए आलू और थोड़े घर के मसाले लिए हैं। इसके लिए मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी आप सभी को। आप मेरे बनाए हुए तरीके से एक बार बनाकर देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इन आलुओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें अपना आटा ऐड कर देंगे और उसमें हम 1 कटोरी सूजी ऐड कर देंगे, थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को मैं हाथ से क्रश करके डालती हूँ, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आता है। और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच जीरा। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा नमक ऐड और करूंगी। और इसमें 1 चम्मच मैंने मोइन का डाला है। और इन सभी मसालों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी है वो गुनगुना लिया है। गुनगुने पानी से हम इसके आटे को एक बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार करेंगे और हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा डो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक अपना घी गरम करेंगे। घी गरम करने के बाद हम एक एक पूड़ी उसमें तलते जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही सरल है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको, आप सभी को ये पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को शेयर करें। धन्यवाद।